ये नवग्रह पेंडेंट है, नवग्रह की अंगूठियाँ भी हमने कई लोगों के हाथों में पहनी दिखी देखी हैं। सामान्य व्यक्ति को इसको धारण करना ही नहीं चाहिए, विशेष परिस्थिति में इसको धारण करना चाहिए। क्या परिस्थितियाँ हैं जो हम आपको बताएंगे। हम हैं डॉक्टर उमाश्री, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। अगर आज आप पहली बार विज़िट करने आए हैं तो वेलकम करती हूँ, और छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब करिए। अगर आप ज्योतिष, तंत्र, मंत्र, वास्तु में रुचि रखते हैं तो ये चैनल बहुत काम का है। मैं डेली ऐसे वीडियो डालती हूँ जो आपको ज्ञान बढ़ाने में सहायक हो सकते हैं, और आपकी तरक्की भी इनसे हो सकती है अगर इनको आप आत्मसात करेंगे, जो मैं उपाय बताती हूँ। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। कई बार ऐसा होता है कि शौकिया तौर पे नवग्रह की अंगूठी लोग धारण कर लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके सारे ग्रह सही हैं और आपको जीवन में कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, या हमने गरीब लोगों को भी देखा है आर्टिफिशियल, ये जो पेंडेंट देख रहे हैं ना, ये आर्टिफिशियल है, इमिटेशन ज्वेलरी का पेंडेंट है, लेकिन इसके बीच में जो यंत्र है वो काफ़ी पावरफुल है, और ये बहुत काम का है वैसे तो। और गोल्ड का भी आता है, सिल्वर का भी आता है, तरह तरह के ओरिजिनल रत्न भी आते हैं इसमें। जो रत्न लगे हुए हैं ये सेमी प्रेशियस रत्न है, और ये थोड़े बहुत इफ़ेक्ट करते हैं, ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करते हैं, लेकिन जो ओरिजिनल स्टोन होते हैं, ओरिजिनल स्टोन के नवग्रह पेंडेंट कई लोग धारण कर लेते हैं तो वो उनकी बर्बादी का कारण बनते हैं, क्योंकि उसमें कुछ खामियां होती हैं जो हम आपको बताने वाले हैं। एक्चुअली क्या है कि जो इसमें जो नग का क्रम है वो डिसाइड होना चाहिए कि आपको किस तरफ लगवाना है। इसकी जानकारी के अभाव में बेतरतीबी से ये जो जैम स्टोन लगाए जाते हैं, जिनका अशुभ असर जातक पर पड़ता है, जैसे हीरा है पूरब दिशा में लगाना चाहिए, चंद्र का जो मोती है उसको अग्नि कोण में लगाना चाहिए, मूंगा दक्षिण में लगाना चाहिए, पश्चिम दिशा में आपको नीलम रत्न लगाना चाहिए जो शनि का होता है, वायव्य दिशा में आपको केतु का रत्न लगाना चाहिए लहसुनिया, और उत्तर दिशा में आपको बृहस्पति का जो रत्न है पुखराज लगाना चाहिए, और ईशान दिशा में बुध का नग पन्ना लगाना चाहिए, और इन सब ग्रहों के बीच में आपको माणिक रत्न लगाना चाहिए। ये होता है रत्न का सही क्रम। अगर ऐसा क्रम आपने लगाया है तो आपको फ़ायदा होगा, अन्यथा नुकसान होगा भयंकर, क्योंकि ग्रह की जो दिशा होती है वो उसके अनुकूल होनी चाहिए, और आप जहाँ बैठे हैं उस दिशा, उस तरफ से दिशा का ज्ञान करें और उसी से आपको फ़ायदा होगा। और ये जो अंगूठी जो पहनी जाती है, पेंडेंट की बात करी अभी मैंने, लेकिन अंगूठी जो पहनी जाती है उसमें डिज़ाइन वाला और आर्टिस्टिक वाली रिंग पसंद करता है, जबकि कुछ ग्रहों को जो, लेकिन अगर आपको ग्रहों की कृपा प्राप्त करनी है, ग्रहों का पावर प्राप्त करना है, तो किसी भी डिज़ाइन आप में आप बनाएं, क्योंकि जो डिज़ाइन होता है वो भी उसका बंटाधार कर सकता है और आपको प्रॉब्लम में डाल सकता है। ये जो नवग्रह मुद्रिका होती है, इसको नौ रत्न इसमें प्रयोग में किए जाते हैं, जो नौ ग्रह हैं उनका प्रयोग किया जाता है, नौ ग्रहों के रत्नों का प्रयोग किया जाता है। ओरिजिनल भी स्टोन काम में लिए जाते हैं, सेमी प्रेशियस भी काम में लिए जाते हैं, अपनी अपनी मौजूदगी के हिसाब से ये व्रत सॉरी ये रत्न आपको इफ़ेक्ट करते हैं। एक्चुअली जो नवग्रह की अंगूठी होती है उसमें कुछ ग्रह संबंधी जो आकार हैं उनको बताया गया है और उनकी मीमांसा की गई है, और वो आपको ध्यान नहीं होता, और इसको अलग अलग आकृति में बनाया भी नहीं जा सकता, मतलब इनकी नगों की कटिंग होती है उसका आपको ध्यान रखना चाहिए कि किस तरह की शेप वाला नग आपको पहनना है और किस तरह का शेप वाला नग आपको फ़ायदा दे सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर पुखराज आपने जड़ा है और आपको समृद्धि चाहिए, तो इसको आपको वर्ग के शेप में लेना चाहिए, वर्गाकार इसको शेप आपको देनी चाहिए। जैसे डायमंड आपने जड़वाया है तो षटकोणीय आकृति होनी चाहिए, और उसी में शुक्र के नग डायमंड को मड़वाकर आपको पहनना चाहिए। ऐसे ही जो आकार हैं अन्य ग्रहों के भी डिसाइड किए गए हैं, जैसे केतु के लिए ध्वजा का आकार हो तो उसकी पावर बढ़ जाती है, राहु के लिए सूप का आकार मड़वाना चाहिए, चंद्रमा के लिए आप पेंडेंट बनाते समय अर्धचंद्र का मोती
उसको में जड़वा सकते हैं। सूर्य के रत्न माणिक के लिए आपको ऐसा कोण बनाना चाहिए, जिस ऐसा चक्र बनाना चाहिए जिसके 12 कोण हो, ऐसी आकृति सूर्य को पावर देती है। बुध के लिए आप ऐसा शेप बनाइए जो तीर के आकार का हो। एक्चुअली ये जो शेप होती है ना, ये ग्रहों की शेप होती है और वही उसको पावर देती है, तो आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। मंगल के लिए आपको तिकोना आकार का मूंगा लेना चाहिए और इसको ऐसे पहनना चाहिए कि तिकोना शेप अंदर की ओर रहे। तो ये छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नहीं मालूम होती है, आप तो सीधा सादा पेंडेंट कोई भी शॉप के ऊपर देखते हैं और निकल ले आते हैं, तो ये फ़ायदे के जगह नुकसान देता है नवग्रह का पेंडेंट। अगर नवग्रह वीक हैं, आपको हर काम में बाधा आ रही है, उस केस में आप नवग्रह का पेंडेंट धारण करें, अन्यथा ज्योतिषी को अपनी कुंडली दिखाकर एडवाइस लेवें कि आपके लिए नवग्रह का पेंडेंट शुभ है या अशुभ है और आपको इससे क्या फ़ायदा है, तब बात बनती है। एक्चुअली नवग्रह की मुद्रिका पहनते समय आपको सामर्थ्यवान होना चाहिए, और क्योंकि ये जो गोल्ड में ही फलीभूत होती है और गोल्ड गरीब आदमी तो खरीद नहीं सकता, गरीब आदमी आर्टिफिशियल पहनता है और उससे उसको कोई लाभ भी नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको समझनी चाहिए और इसको शुभ मुहूर्त में ही धारण करना चाहिए। नवग्रह की जो अंगूठी होती है उसको मिडिल फिंगर में धारण किया जाता है या रिंग फिंगर में धारण करना चाहिए, तभी आपको फ़ायदा मिलता है। तो आज का वीडियो समाप्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हूँ डॉक्टर उमाश्री, ऐसे ही वीडियो लाती रहूँगी। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल डॉक्टर उमाश्री को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ बहुमूल्य जानकारी आपको देती हूँ, डेली अपलोड करती हूँ ऐसे वीडियो जो आपकी किस्मत को चमकाने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।